वेलकम टू लक्ष्मी किचन। आज हम बनाने वाले हैं ये कोयल की कबाब। इसे करी भी बनाते हैं और पकौड़ा भी बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे तरीके से। आप कबाब मेरे तरीके से कभी नहीं खाए होंगे, लेकिन आज ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए, ये लाए हैं बाजार से खरीद कर, आज हम इसे कबाब बनाएंगे। चलिए हम इसे अब साफ कर कर लाते हैं। हम ये कोयल को साफ कर लिए हैं, दो लिए थे हम, इसे साफ कर लिए दो कोयल बड्स। इसके लिए हम मसाला लिए हैं, ये तीन अनियन चॉप और ये 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और ये 2 फुल गार्ली और ये 6 रेड चिली, कच्चे हल्दी 1/2 टीस्पून, ये अदरक 1/2 टीस्पून, ये 3 इलायची और 4 लौंग लिए हैं ये स्मेल के लिए। चलिए हम अब ये अनियन और सारे गरम मसाला को फ्राई करते हैं। चलिए हम गैस ऑन कर दिए हैं और ये पैन को गैस में बिठा दिए। इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 टीस्पून और ये रेड चिली और ये लौंग और इलायची और ये गार्लिक और ये अनियन। हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम जीरा और धनिया को फ्राई करेंगे। हम ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, ये अनियन को और गार्लिक और ड्राई रेड चिली को। तो कई तरीके कबाब खाए होंगे, लेकिन ये कबाब ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा इसी तरह। देखिए, हम अनियन अब ब्राउन हो गया है, भून चुके हैं। अब हम इसमें जीरा और धनिया को डालेंगे, धनिया, जीरा, अदरक और ये हल्दी एक साथ भूनेंगे। आज हम मसाला पीस कर कबाब बनाएंगे। ये मसाला हम ये कबाब को सिलबट्टे में पीसते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए हम मिक्सर जार में मिक्सर कर देंगे। देखिए, हम अच्छी तरह से मसाला को भून चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये ठंडा हो जाएगी जब हम पहले ये मसाला को इसमें दरदरा पीसेंगे ये जार में, उसके बाद हम ये कोयल बड्स को जो क्लीन किए थे पहले हम इसे जार में डाल देते हैं। चलिए सिलबट्टे में पीसते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसमें ही माय मिक्सर कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे। ये हम ये दरदरा पीस लिए हैं, इसके अब हम ये जो ये कोयल बाट का ये माल इसे हम इसमें डालेंगे, आधा आधा डालकर पीस कर लेंगे हम। और इसके लिए लिए हैं हम ये स्वाद अनुसार नमक लिए हैं और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और धनिया पत्ता 1/2 नींबू। इसके लिए हम धनिया पत्ता बाद में डालेंगे गार्निश के लिए। और ये नमक और हल्दी और मिर्ची पाउडर को हम डाल देते हैं इसमें, क्योंकि हम पहले से ही रेड चिली डाले थे, इसलिए ज़्यादा तीखा हो जाएगी। हम
कम डाल देना है। आप ज़्यादा खाओगे तो अब डाल सकते हो। हम इसे भी अब दरदरा पीस कर लाते हैं। देखिए हम पीस लिए हैं, इसी तरह हम इसे एक बोल में निकाल देंगे। बोल में हम इसे और सरसों का तेल थोड़ा डालेंगे। और ये नींबू, आप नींबू इसमें हम टेस्ट के लिए डालेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये 1 टीस्पून हम ये डाल लिए हैं, वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट हम इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम कबाब को फ्राई करेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। देखिए हम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिए थे, आधा घंटा हो गया है। हम थोड़ा सा घी डाल दिए थे इसमें, अब इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए मेरे किचन में ये मैं कैसे कबाब को फ्राई करती हूँ आपको दिखाती हूँ। हम इसमें आप थोड़ा घी डालेंगे, वन टीस्पून घी डालिए हैं। देखिए हम इसे अब कबाब को मिक्स कर दिए हैं। पानी हाथ थोड़ा हो, पानी हाथ थोड़ा होकर हम कबाब को ऐसे गोल गोल करेंगे और ऐसे तवा में इसे दबा देंगे। सारी कबाब को हम ऐसे गोल गोल करके सबको फ्राई करेंगे। ये इसका पकौड़ा खाए है, करी खाए है, फ्राई खाए है, लेकिन ये कबाब आप इसी तरह बनाए होंगे, आप कभी नहीं खाए होंगे। एक बार इसी तरह कबाब जरूर बनाइए और खाइए, इतना टेस्टी लगता है ये कबाब। गैस को स्लो फ्लेम करेंगे और फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर कच्चापन रह जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं अंदर से। हम इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे, गैस को स्लो फ्लेम कर दिए हैं, इसी तरह फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हम आप पलट देते हैं ये कबाब को, तो हम स्लो फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं। इसे करके हम पलट देते हैं। घी में फ्राई कर रहे हैं, आप चाहो तो ऑयल भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन घी में थोड़ा टेस्ट लगता है।
डायरेक्ट हम नहीं पीसे, हम इसका बोनलेस पीस निकाल कर अलग कर कर खाली बोनलेस पीस को हम ये कबाब बना रहे हैं। ये बच्चे नहीं खाते हैं बोन आने से, इसलिए हम बोनलेस पीस ही हम इसे इस्तेमाल किए हैं। देखिए ये कबाब हो गया है, ब्राउन हो गया है, अंदर से भी पक चुका है। चलिए हम इसे अब प्लेटिंग करते हैं। देखिए हम ये कबाब रेडी कर दिए हैं। अब थोड़ा हम इसे ऊपर धनिया पत्ता थोड़ा गार्निश करेंगे। आज का ये मेरा बनाया हुआ ये कोयल कबाब का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप भी इसी तरह ये आज का रेसिपी बनाइए और खाइए। आज का रेसिपी ये बनाइए और खाइए, कैसा लगा मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिए। थैंक यू।